बड़े ही धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। खबर रोहतास जिले के दरियट एवं आयरकोठा थाना क्षेत्र से है, जहां आयरकोठा थाने में बड़े ही धूमधाम से शान से तिरंगा लहराया। थाना अध्यक्ष प्राची कुमारी ने आयरकोठा थाने परिसर में झंडोत्तोलन किया और बड़े ही शान से तिरंगा झंडा लहराया। मौके पर पुलिसकर्मी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए देखते हैं आयरकोठा थाने की कुछ झलकियां। भारत माता की डॉट बाजू सस। दरियट थाना परिसर में भी शान से लहराया तिरंगा झंडा। दरियट थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार भगत ने दरियट थाना परिसर में झंडोत्तोलन किया एवं झंडा फहराया, शान से तिरंगा झंडा लहराया। आइए देखते हैं दरियट थाना परिसर की कुछ झलकियां। दरिहट स्थित भागवत दासराज के मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी पीटी कर सबका मन मोह लिया। आइए देखते हैं छात्र छात्राओं की कुछ झलकियां। दरियट स्थित पैक्स गोदाम पर दरियट के पैक्स अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव उर्फ मंडल जी ने भी बड़े ही शान से तिरंगा झंडा फहराया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। यही देखते हैं, सुनते हैं सुरेश प्रसाद उर्फ मंडल जी ने क्या कहा। खेती करने वाले किसान मजदूर से अगर आप लोग का सहयोग और प्यार मिलता रहा तो भविष्य में हम होम डिलीवरी का भी सुविधा
दे सकते हैं। दरिया डिस्ट्रिक्ट पंचायत भवन पर भी शाम से लहरा है तिरंगा। यहाँ पर सरपंच महोदय सुनीता देवी ने झंडा फहराया। मौके पर जिला परिषद सदस्य नौतिन राम के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आयर कोठा स्थित वात्सल्य स्मृति रेजिडेंशियल स्कूल के परिसर में भी शाम से तिरंगा झंडा लहराया और यहाँ पर छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति की एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनंत कुमार राय मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बड़े शान से तिरंगा झंडा लहराया है और यहाँ पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। दरिहट स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के परिसर में या खेल के मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मौके पर दरिहट थाना अध्यक्ष के साथ साथ दरिहट थाने के कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों को धन्यवाद दिया एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं अपने संबोधन में दरिहट थाना अध्यक्ष ने बच्चों को लिए क्या कहा। अब हम जाएंगे जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य विद्यालय के प्रांगण में आने का मौका मिला। यहाँ के प्रचार्य महोदय, तमाम शिक्षक और शिक्षकों के द्वारा बच्चों में जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकाल कर तराश कर आज हम लोगों के समक्ष और यहाँ के लोगों के समक्ष दिखाया गया। देखने से तो लगता है कि यहाँ के शिक्षक काफी पूरे अपने जो है अंतर हृदय से मेहनत करते हुए बच्चों में कुछ सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। मेरी और मेरे थाना के तमाम उपस्थित सभी पदाधिकारियों के तरफ से मैं इस प्रांगण में उपस्थित तमाम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही आशीर्वाद भी देता हूं मैं कि भविष्य में जब ये स्कूल से